नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गढ़चिरौली में 21 की मौत, 590 पॉजिटिव, कबाड़ के गोदाम में लगी आग, खुटापल्ली के जंगल में बाघ की दहशत कायम। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गढ़चिरौली में 21 की मौत, 590 पॉजिटिव। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर जिले में 21 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 महिला व 18 पुरुषों का समावेश है। 590 नए पॉजिटिव मिले तथा 177 मरीज ठीक हो गए। जिले में कुल संक्रमित 16,519 है। इनमें से 12,419 ने कोरोना को मात दी और अब 3,839 सक्रिय मरीज है। कुल 261 की मौत हुई है। कोरोना को मात देने वालों का प्रमाण भी 75.18% हो गया है, तो मृत्यु दर अब 1.58% पर पहुंच गया है। नए संक्रमितों में गढ़चिरौली तहसील में 181, अहिरी में 51, आरमोरी में 70, भामरागढ़ में 13, चामोशी में 35, घानोरा में 35, एटापल्ली में 39, मुलचेरा में 10, सिरोंचा में 18, कोरंची में 18, कुरखेड़ा में 47 और देसाईगंज तहसील में 73 पॉजिटिव मिले हैं। तो वही दूसरी ओर कबाड़ के गोदाम में लगी आग। शहर के मटन मार्केट के करीब स्थित कबाड़ी की गोदाम में 19 अप्रैल की रात 8 बजे के दौरान भीषण आग लगी। इसमें करीब 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना स्थल पर नगर परिषद गोंदिया के दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें देखकर क्षेत्र के नागरिक भयभीत हो गए थे। बताया गया है कि भीतर गोदाम में बड़ी संख्या में प्लास्टिक का कबाड़, गत्ता, रद्दी पेपर के बंडल रखे होने की वजह से आग पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। फायर विभाग की तरफ से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी यह साफ नहीं हो सका। यह कबाड़ गोदाम हजरत अली सैयद नामक व्यक्ति का बताया गया है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरे और कुटापल्ली के जंगल में बाघ की दहशत कायम। तहसील के कुटापल्ली के जंगल में फिर बाघ दिखने से दहशत पैदा हुई है। वन विभाग द्वारा गंभीर कदम नहीं उठाने से परिसर के लोग चिंता में हैं। कुटापल्ली के जंगलों में बाघ होने की चर्चा गत 6 माह से शुरू है, पर वन विभाग कोई जानकारी नहीं दे रहा है। लोगों ने कैमरा में कैद प्राणी वन विभाग के अधिकारियों को दिखाया, पर विभाग ने यह बाघ, तेंदुआ या अन्य प्राणी होने की बात स्पष्ट नहीं की। बाघ ने आसोला के खेत में गत दिनों 10 मवेशियों का शिकार किया। इसकी शिकायत वन विभाग से की गई। इस बीच सिंदखेड़ परिसर में किसानों को बाघ दिखाई दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।